मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुलाकात की है। तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ये मुलाकात की है। पंजाब सीएम भगवंत मान कुछ कह रहे हैं, मुलाकात के बाद दिखाते हैं। आपकी पार्टी ने सैंक्शन दिया था कन्हैया कुमार के लिए, वो खुद दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये तो इंडिया गठबंधन का अपना फैसला है जी। पार्टी ने बोल दी कि केजरीवाल के जेल में आने के बाद पार्टी में भगदड़ मच चुकी है। कौन कहता है भगदड़ मच चुकी है? आम आदमी पार्टी एक डिसिप्लिन ग्रुप है। आम आदमी पार्टी एक बहुत ही मतलब डिसिप्लिन में रहने वाली जमात है। हमारी पूरी पार्टी एक साथ है, चट्टान की तरह हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और आएंगे, बाहर आएंगे। और 4 जून को, ये बात मेरी नोट कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लेना, 4 जून को जब देश में रिजल्ट आएंगे तो आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल शक्ति बन के उभरेगी। आज जब सर से मिले तो हम सबने पूछा कि सर आप कैसे हैं, आप कैसे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ कि जनता कैसी है। उन्होंने पूछा कि क्या जनता को फ्री में जो बिजली मिल रही थी वो कंटिन्यू है, मिल रही है। उन्होंने पूछा कहीं बिजली कट तो नहीं, पावर कट लग तो नहीं रहे। उन्होंने पूछा कि अस्पतालों में जो दवाइयां मिल रही थी क्या वो दवाइयां अभी भी मिल रही है। उन्होंने पूछा कि बसों में जो यात्रा हो रही थी फ्री में महिलाओं को, क्या वो अभी भी कंटिन्यू है। उन्होंने सारी चीज़ें पूछी कि दिल्ली का हाल कैसा है, जनता कैसे है, और हमने एक एक चीज़ उनको बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते से वो दो दो मंत्रियों को बुलाएंगे और दो दो मंत्रियों को बुलाकर दिल्ली के सारे कामों का रिव्यू करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं सभी विधायकों से मिलूं और सभी विधायकों से मिलकर उनको ये कहूं, उनका केजरीवाल साहब का ये मैसेज उनको दूं कि वो अब अपने गली गली में, घर घर में, अपने एरिया में जाके जनता से मिले। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। आज तक जितनी सेवा करते आ रहे थे उससे 10 गुना ज़्यादा सेवा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्दी बाहर आएंगे और जब भी वो बाहर आए, जो 1000 रुपये प्रति महीना सभी महिलाओं को देने का वो वादा और बजट पास जो उन्होंने किया है उसको वो पूरा करेंगे। मतलब पूरे समय वो सिर्फ यही पूछते रहे कि दिल्ली की जनता कैसी है, जनता कैसे है, जनता में क्या चल रहा है, सब सुखी तो है ना। सबसे बड़ी बात ये कही कि संगठन, संदीप संगठन देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और मेरी ड्यूटी इस बात के लिए लगाई कि आपने जगह जगह पे जाना है और इंडिया अलायंस की, अगर कोई किसी स्टेट में जाना पड़े इंडिया अलायंस के लिए वहाँ भी आप जाना है। तो ओवरऑल ये थी, उनको संविधान की चिंता थी कि देश बचेगा तो पार्टी बचेगी, संविधान बचेगा तो पार्टी बचेगी। 21 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी सीजीआई को, कैसी है हेल्थ, कैसी है 21 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी सीजीआई को, कहा कि जुड़ती को बदनाम किया जा रहा है। देखो पता क्या है, देश में जो हालात हो गए हैं, किसी को पूछ लो, दुकानदार को पूछ लो, वो भी कहेगा गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, अरविंद केजरीवाल को गलत उन्होंने अंदर करा है। ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं विपक्ष ना हो, हम ही इलेक्शन लड़ें और हम ही जीतें। ये तो फिर पुतिन वाली बात हो गई ना, फिर डेमोक्रेसी कहाँ गई, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। तो इसलिए हम लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, देशभक्त लोग हैं हम, और उन्होंने हमें ये अंदर से मैसेज दिया है कि बाहर जाके कार्यकर्ताओं को और सब MLA और मंत्री साहबानों को बोलो कि मेरी चिंता ना करें, जनता की चिंता करें, पब्लिक की चिंता करें। स्वाद ठीक है, देखो कौन सा कोई उधर दूसरी तरफ बिठा रखे थे, जब जब सोनिया गांधी चिदम्बरम को मिलते थे तो एक कमरे में बैठ के मिल लेते थे, प्रकाश सिंह बादल भी यहाँ मिलने आते थे तो कमरे में बैठ के मिलते थे। पता नहीं क्यों दुश्मनी इतनी है कि हमें आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कोई बात नहीं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुलाकात करके बाहर निकल आए हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। मीडिया को संबोधित किया है उन्होंने और मीडिया से बातचीत की है भगवंत मान ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद में। आपको बता दें कि आज ये समय दिया गया था दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात के लिए। इस दौरान उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की गई। साथ ही साथ भगवंत मान ने बताया कि सीएम केजरीवाल को संविधान की चिंता है और 4 जून को आम आदमी पार्टी एक बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में निखर कर सामने आएगी। सीएम केजरीवाल को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ये भी बड़ा आरोप भगवंत मान ने लगाया। बता दें कि तिहाड़ जेल में इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रखा गया है,
भगवंत मान ने कहा कि सीएम केजरीवाल को संविधान की चिंता है और बड़ा आरोप लगाया है कि उन्हें जेल में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।